चलता फिरता मीडिया है, चलती फिरती मीडिया है। राजकुमार चाहर जी, जितेंद्र रुलकी जिला अध्यक्ष, मेरे साथी करमवीर सैनी जी, श्री मदन गोयल जी जिला प्रभारी, श्री ओम प्रकाश कई अनसमझ लोग जो समझते कांग्रेस आवेगी, मेरे को तो बुला के ले गए बहन आइयो, पर मेरी मुखालफत करके आए हैं तू सोच के भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनेगी और भूपेंद्र हुड्डा युवराज है। आज मेरा बोले याद रखियो, 100% बीजेपी की सरकार बनेगी। नए सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे और सबको सबका हक देंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, एक एक घर समझने का है। ओए भाई, यूं समझता हो ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की टिकट है, कांग्रेस पार्टी खत्म होती है उसकी टिकट है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी की अगर टिकट होती, कांग्रेस पार्टी होती तो कुमारी शैलजा जो चौधरी दलवीर सिंह जो बहुत कदावर नेता थे गरीब समाज के, सेंटर में वजीर है, पंजाब में वजीर है, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड थे, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर है, उनकी बेटी कुमारी शैलजा जो बहुत ही काबिल बेटी है, सेंटर में वजीर रही, अंबाला में एमपी रही, अंबाला से वो खुद चुनाव लड़ना चाहती जुटाना से अपने घर से, उसको चुनाव लड़ने नहीं दिया। स्वामी नरेंद्र सिंह के बेटे डॉक्टर अजय चौधरी, उनकी टिकट डिक्लेयर करके आई थी बहुत भारी भीड़ में, इंतजार से भी पांच सौ लोगों के भीड़ में, ये मेरा छोटा भाई है, टिकट तो मैं इसको दिखाई दूंगी। इसको आपने मिले बनाना है, पिछली बार की गलती सुधार देना, मैं उदाहरण भी देने आई हूं। उसकी भी टिकट काट दी, शैलजा की भी टिकट काट दी, तो ये कौन सी पार्टी है भाई? ये हुड्डा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तो लोग इंकार करते थे, कभी इलेक्शन जाएगा और कब छत्तीसगढ़ में के गरीबों की सरकार आएगी। लेकिन भाई, अब जो सरकार चली, हुड्डा साहब की सरकार,